सो फाइनली गाइस स्क्रीन पे अंदर आ चुका है अपना एक न्यू लक रॉयल। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों को दिखने को मिल रहा एक न्यू लेजेंडरी बंडल, जो कि गाइस यार दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रहा है। एंड इसी के साथ गाइस यहाँ पे अपना एक इमोट भी है। एंड सच बताऊँ तो यार मुझे बंडल से ज़्यादा अच्छा इमोट ही लग रहा। तो चलो अच्छा। सिंपली गाइस यहाँ पे स्पिन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को कितने डायमंड पे ये सारी चीज़ें मिलता है। और हाँ गाइस अगर आप लोग भी स्पिन करने की सोच रहे हो तो पहले वीडियो को देख लो ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। ओके सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले करते हैं एक स्पिन जो कि है 20 डायमंड का, और मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ मिलेगा। एंड यहाँ पे गाइस मुझे मिला है 2 टोकन। चलो कोई ना, यहाँ पे गाइस देखते हैं एक बार, जो बंडल है वो है 200 टोकन पे और जो इमोट है गाइस वो है 75 टोकन पे। तो चलो कोई ना गाइस, यहाँ पे अगर डायरेक्टली मिल जाएगा अपने को बंडल या फिर इमोट तो काफ़ी ओपी रहेगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे अपने को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन 2 बार गाइस यहाँ पे मुझे 10-10 टोकन मिला है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। तो अभी मेरे पास हो चुका है 38 टोकन, बट इतने में तो नहीं होगा। चलो गाइस यहाँ पे और करते हैं। एंड ऊपर के साइड पे गाइस आप लोग मेरा डायमंड देख सकते हो कि यहाँ पे कितना डायमंड लग रहा है, ठीक है। और इसमें गाइस एक बैकपैक भी है जो कि मेरे पास पहले से था, तो ये चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाया, बाकी आप लोग देख सकते हो बैकपैक भी। एंड इस बार गाइस मुझे सिर्फ 2 तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये यही वो बैकपैक है जो कि गाइस मेरे पास तो पहले से है। तो कोई ना, यहाँ पे अपन लोग और स्पिन करेंगे। एंड अब की बार भाई यहाँ पे फिर से कतई नूबड़ा भाई, मुझे कुछ भी सही चीज़ नहीं मिल रहा। तो गाइस मुझे नहीं लग रहा भाई कि ऐसे ही यहाँ पे अपने को मिल पाएगा। और हाँ देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो बंडल है इस पर हम लोगों को 2 स्पेशल इफेक्ट देखने को मिल रहा, एक गाइस जब हम लोग गन को स्विच करेंगे उस टाइम पे, और दूसरा जब हम लोग कंटिन्यू दौड़ेंगे उस टाइम पे, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो कोई ना गाइस यहाँ पे अब की बार अगर मुझे डायरेक्टली मिलता है तो सही चीज़ है, नहीं तो मुझे लग रहा भाई यहाँ पर टोकन के हिसाब से काफ़ी डायमंड लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोकन है गाइस वो सही से मिल नहीं रहा। ओके अब की बार देखना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे फिर से भाई नहीं मिला, लेकिन 2 बार इस बार 10-10 टोकन मिला है, चलो काफ़ी सही है। एंड यहाँ पे गाइस देख सकते हो मेरे पास 118 टोकन हो चुके हैं, चलो काफ़ी ओपी। एंड फटाफट गाइस यहाँ पे स्पिन करते हैं, इस पर क्या लगते हैं, इस पर भाई 5 वाला मिला है, 10 वाला नहीं मिला। चलो कोई ना गाइस यहाँ पे फिर से स्पिन करेंगे। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा डायमंड उड़ा दिया हूँ। अब देख सकते हो भाई यहाँ पे मुझे बैकपैक मिला है, जो कि बैकपैक गाइस मेरे पास पहले से था, तो इसके बदले में यहाँ पे मुझे मिला है 20 टोकन। उससे मेरा क्या फ़ायदा। सो गाइस यहाँ पे अभी तक मैं करीब 1200 डायमंड उड़ा चुका हूँ। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरे को मिला है ओनली 173 टोकन, मतलब भाई अभी तक तो डायरेक्ट नहीं मिला है, और मेरे ख्याल से गाइस यहाँ पे डायरेक्ट मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो सिर्फ टोकन ही टोकन मिल रहा, यहाँ पे गाइस इमोट भी नहीं मिला। तो चलो कोई ना गाइस, एंड अब की बार भाई अब की बार तो 10 वाला भी नहीं मिला। यहाँ पे गाइस 193 टोकन हो चुका है, बट 7 टोकन और चाहिए बंडल के लिए, ठीक है। अब गाइस ये वाला मेरा लास्ट स्पिन है, अगर इसमें मुझे इमोट मिल जाता डायरेक्ट तो काफ़ी सही रहेगा, बाकी देखना पड़ेगा। और फिर से गाइस यहाँ पे मुझे मिला है बैकपैक, भाई ये चीज़ मुझे काफ़ी ख़राब लगता है कि भाई जो चीज़ मेरे पास पहले से है वही दे रहा, वो भी डबल डबल। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अगर यहाँ पे इमोट निकल जाता तो क्या ही बात थी। तो चलो कोई ना गाइस यहाँ पे अपने पास हो चुका है 32 टोकन। एंड सिंपल सा क्या, सबसे पहले हम लोग एक्सचेंज करेंगे यहाँ पे बंडल को, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो बंडल है वो दिखने में कैसा है, ठीक है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो इसका लुक वगैरह तो कुछ इस टाइप का है, एंड थोड़ा बहुत ये जो है अपना कोबरा के टाइप का लग रहा है, ठीक है। बट देखना है गाइस अभी अपन लोग इसको ओपन करेंगे, तो सिंपली गाइस यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, हो जा भाई। ओके काफ़ी हार्ड। एंड अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग पूरा बंडल लोबी पे कुछ इस टाइप का लगेगा। एंड यहाँ पे गाइस इसके साथ मारते हैं अपन एक इमोट। ओके तो देख सकते हो गाइस कुछ इस टाइप का यहाँ पे बंडल है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट बाई पार्ट करके। ओके तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये रहा गाइस इस बंडल का हेयर, एंड इसके अलावा गाइस यहाँ पे टॉप भी कुछ इस टाइप का है, एंड पैंट वगैरह। बंडल गाइस जो है मेरे को उतना ज़्यादा ओपी तो नहीं लगा, बट हाँ ठीक ठाक है। इसके अलावा 32 टोकन मेरे पास और है, और कभी मैं स्पिन करूँगा तो अपना इमोट भी निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी गाइस यहाँ पे देख सकते हो करीब गाइस यहाँ पे मेरा कितना डायमंड लग गया, बोले तो 1500 के आसपास गाइस यहाँ पे मेरा डायमंड लगा, तब जाके गाइस यहाँ पे जो बंडल है वो मेरे को मिल चुका है, ठीक है। बट इमोट जो है गाइस वो मेरे को अभी भी नहीं मिला, जबकि यहाँ पे मेरे पास अभी 32 टोकन है। तो आप लोग भी गाइस इसी हिसाब से देख लो, अगर आपके पास एडी पे इतना डायमंड है तभी स्पिन करना,
अदरवाइज मत करना, मेरे ख्याल से इसके अंदर आपका काफ़ी ज़्यादा डायमंड लगने वाला है। ओके, तो आई होप कि किसी यहाँ पे आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। सो आज मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर।